हेलो यूट्यूब, मेरा नाम ऑक्टेवियन है और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ करना चाहता था कि लाइक कुछ एकदम जुगाड़ू टाइप. सो मैंने एक मोबाइल माउंट लगा के रखा है अपने इस हेलमेट पे. ये है वेगा का हेलमेट जो मैंने 1000 रुपीस के अंदर ख़रीदा था अंधेरी में, और काफ़ी पुराना है ये. इसको हो गया एक्चुअली 1-2 साल तो हो ही गया, 1.5 ईयर आई फील, या 1.5 ईयर हो चुका है. इसको कंडीशन ठीक ही थी इसकी. मैं सोच रहा था इसको कि क्या करूँ. अभी यूट्यूब का चैनल खोलने का सोच रहा था मैं कि कुछ करूँ फ़न के लिए. अभी बहुत सारे यूट्यूब देखे जहाँ पर जो यूट्यूबर्स होते हैं वो एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं. एक्शन कैमरा में उनका जो डिफरेंट माउंट होता है, मैं भी अमेज़ोन पे सर्च कर रहा था और काफ़ी लोकल स्टोर्स पे भी जाके रेट पूछा मैंने जो माउंट का है, और वो काफ़ी ओके टाइप रेट था. यानी कि 300-400 के आसपास आपको एक माउंट मिल जाता है. बट मैंने क्या सोचा कि मुझे इतना सिर्फ रिकॉर्डिंग से मतलब है और बाकी कुछ मुझे इतने पड़ी नहीं है कि अभी फ़िलहाल ऐसे गोप्रो जैसी महंगी महंगी एक्शन कैमरा ले सकूं. तो मैंने सोचा कि कुछ चीप किया जाए. चीप यानी कि पता नहीं ये इतना सेफ़ है क्या. अभी मैंने टेस्ट तो नहीं किया इसे, मैं करूँगा ज़रूर टेस्ट और बताऊँगा आपको कि ये कैसे चल रहा है. बट फॉर द टाइम बिंग तो मैंने इसे एक स्क्रू के आधार पर लगा के रखा है. बस स्क्रू के सहारे पर ये मेरे हेलमेट से जुड़ा हुआ है. तो मैंने एक्चुअली इसे दिख तो अच्छा ही रहा है मुझे एक्चुअल में, लेकिन इसका अलाइनमेंट थोड़ा इस तरफ लगा के रखा है मैंने, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. सो मैंने क्या किया कि ये दो नोस्ट्रल्स जो होते हैं एयर जाने के लिए अंदर, तो उसी के एक साइड के इसको मैंने क्या किया है कि हार्डवेयर के स्टोर पे गया, एक स्क्रू लेके आया जो उस नट में एक्चुअली ऐसा जो इसका जो नट है इसमें जो स्क्रू लग जाता है सेम इसके बैक साइड में एक है, तो ताकि हेलमेट के ऊपर भी ये लगा सकता था मैं या फिर चिन माउंट. तो मैंने सोचा चिन माउंट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये चिन माउंट कर लूँ. मैं क्या किया मैंने कि एक हार्डवेयर की दुकान पे गया लोकल वाले, और उसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा थ्रेड का जो इसके अंदर फिट हो सके वो दे. तो एक्चुअली मैं पालघर में रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा कुछ अवेलेबल होता नहीं है. बट ढूंढा थोड़ा बहुत और एक स्क्रू मिल गया बाई चांस, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा था. तो मैंने उसको ये जो सॉ होता है छोटा उसके इससे मैंने कट कर दिया उसे उसके साइज़ के हिसाब से, और तो भी वो थोड़ा सा लूज़ था. तो मैंने क्या कर दिया, जो धागा होता है हम लोग क्लॉथ सुई करते हैं ना, तो सिलाते हैं, तो वो जो रहता है उससे मैंने क्या किया कि उस थ्रेड को मैंने बहुत ज़्यादा राउंड करते गया और उसके बाद ये अंदर जा चुका है. ठीक है, तो वो तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर इसके नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसके नीचे अगर मैं ये पेपर हटा देता हूँ, क्या किया है वो आपको दिख जाएगा. हाँ, स्क्रू लगा के रखा है बस. दिख रहा है आपको स्क्रू, जिस तरह से स्क्रू लगाया है मैंने. बहुत ज़्यादा गंदा है अंदर से हेलमेट, लेकिन हाँ स्क्रू लगा के रखा है. तो वो स्क्रू एक्चुअली मैंने अंदर थ्रेड के मदद से डाल के रखा है, और वो काफ़ी टाइट करके रखा है स्क्रू ड्राइवर के मदद से. ये तो आपको दिख ही रहा है, थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा, थोड़ा होल थोड़ा उसका कम पड़ गया था, तो ड्रिल मशीन से थोड़ा सा होल करना पड़ा. बाकी सब तो ठीक ही लग रहा है अभी, सब सिर्फ ये थोड़ा सा गिरे ना, बस यही मैं सोच रहा हूँ. ठीक है, तो रिव्यू
देखते हैं कि लगा के कैसे दिखता है बाजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो, ठीक है, जो व्यू है वो कैसे दिखता है। मैं सिर्फ मेरे जो बेडरूम है उसमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा खिड़की के बाहर अभी फ़िलहाल के लिए। फिर जब मैं ये वीडियो पूरी तरह एडिट करके जब अपलोड करूंगा तो फिर उसके बाद मैं इसे टेस्ट करूंगा अपनी बाइक पे, ठीक है। तो चलो कुछ इस तरह से दिखता है ये आफ्टर माओ द हेलमेट इज पुट ऑन योर हेड। अभी देखा जाए तो स्पेक्स है मुझे विदाउट स्पेक्स बहुत दिक्कत होती है यार थोड़ी खांसी है यार, गला ख़राब है, वर्किंग ऑन दैट, थोड़ा दवाई चालू है, देखता हूँ अभी कैसे दिख रहा हूँ कि ओके लग रहा है, काफ़ी ठीक है दिखने में, ओके लग रहा है कि यार माउंट करके कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये तो नहीं रहा है ये फॉर द टाइम बीइंग, ये थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये क्या सुखाने रखा है मोम ने, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो वो मेरी बाइक है फ्रेजर, तो उसी पे करूँगा मैं, सेकेंड हैंड ली थी मैंने, तो बाहर का व्यू तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी मुझे, थोड़ा थोड़ा व्यू मिल रहा है मेरे नज़रों से कैमरा पे, थोड़ा मतलब मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा डिस्प्ले, लेकिन उतना नहीं देख सकता। मुझे सिर्फ डर ये बात का कि है गिरे ना, मतलब कहीं पर भी कुछ बोलते हैं ना, अभी मैं ट्राई करता हूँ इसे थोड़ा शेक करने का बहुत ज़्यादा, थोड़ा कूद कूद के, जैसे कि बाइक पे अगर समझो कोई खड्डे में डाल दिया गलती से, तो ये गिरना नहीं चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तो काफ़ी लग रहा है स्टेबल, ऐसा इतना कुछ डिफिकल्टी तो नहीं आने वाला है शायद बहुत ज़्यादा, ओके सो लग रहा है ठीक है, तो मैं वही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये मैं बेडरूम के बाहर का जो मेरे बेडरूम के बाहर पीछे पार्किंग लॉट है तो वहाँ पर ही अभी मैं उसका अभी के लिए फ़िलहाल, अभी क्योंकि मैं कुछ दूसरे काम भी है तो फटक से ये अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे हो रहा है, मतलब ये सक्सेसफुल तो है, अभी देखते हैं कि जब मैं राइड करूँगा, आज सैटरडे है तो कल संडे है, कल संडे सुबह शायद मैं कुछ प्लान करूँ, और प्लान करने के बाद शायद यही कहीं आसपास कोई अच्छी जगह पे रिकॉर्ड कर सकूँ, जगह दिखा सकूँ आसपास की और इसका रिव्यू कर सकूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं थोड़े ट्रिप्स मारूँगा, देखता हूँ अगर हो सके तो, काम से टाइम मिल के अगर मैं कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा, और प्लीज़ 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 नया हो तो अगर यूट्यूब अगर अभी ऑन करने वाला हो तो अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, बहुत इम्प्रूवमेंट करना है अभी, तो बहुत सीखना है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ हेल्प करो। और मैं सोच रहा था कि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जो माउंट किया है मैंने, इतना गंदा भी नहीं लग रहा है एक्चुअली, 2 रुपये स्क्रू के ले गए और बाकी का तो सिर्फ कारागरी मेरा था, थोड़ा कारागिरी, और ये जो मैंने माउंट ख़रीदा है जो है वो मैं आपको अमेज़ोन के लिंक, अमेज़ोन से ख़रीदा है मैंने 150 का, तो वहाँ से मैं आपको लिंक दे दूँगा अगर आपको अगर ऐसा कुछ करना हो मेरी तरह, तो ठीक है अभी के लिए इतना ही, चल बाय।